वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली में हुए दंगों को कोई आज तक नहीं भूल पाया है। CAA NRC के नाम पर हुए दंगों में न जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, कितने परिवारों की जिंदगियां उजड़ गईं, लेकिन फिर भी अभी तक असली दोषियों को पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस बिना किसी आधार पर लोगों को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश करती है, लेकिन कोई भी सबूत ना होने की वजह से उनको बरी कर दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। शनिवार को कड़कड़ूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक ऐसे केस में 3 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली दंगों में न्यू उस्मानपुर इलाके में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपना फैसला सुनाया और कहा कि तीनों आरोपियों पर आरोप साबित करने को लेकर प्रत्यक्ष साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे में आरोप तय करना न्यायिक समय की बर्बादी होगी। 7 मार्च 2020 को असीम अंसारी के बयान के आधार पर न्यू उस्मानपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें असीम ने बताया था कि 25 फरवरी 2020 को उन पर ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 के पास धार्मिक नारे लगाकर दंगाइयों ने पत्थर से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनके सिर पर गहरी चोट आई थी, लेकिन उन्होंने दंगों की वजह से 2 दिन बाद इलाज करवाया। अब इसमें CCTV की फुटेज को आधार बनाकर पुलिस ने सुंदर सोनी उर्फ श्याम को पकड़ा, जिसके बाद उसने अपने साथ नितिन और शिवा का भी नाम पुलिस के सामने लिया। कोर्ट में पुलिस ने यह भी कहा कि इन दोनों को ब्रह्मपुरी इलाके के कांस्टेबल अनुज ने पहचाना था। कोर्ट में आरोपियों के वकील ने कहा कि उनको गलत आरोप को फंसाया जा रहा है, अगर किसी को चोट लगी है तो वो 2 दिन तक इंतजार क्यों करेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने शुरुआती बयान में किसी आरोपित का नाम नहीं लिया था, इसके अलावा कोई दूसरा गवाह भी नहीं है जो इसको साबित कर सके, जिसने आरोपितों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी पहचाना हो। साथ ही बीट कांस्टेबल ने नितिन और शिवा को दंगाई भीड़ का हिस्सा बताया है। ऐसे में इनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, इसलिए तीनों को सभी आरोपों से बरी किया जा रहा है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।